नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडियन होटलियर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट। कितने टाइप के रेस्टोरेंट होते क्यों हैं और कितने टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं और इनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या डिटेल्स हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्चुअली क्या है, आप लोग बहुत ही लकी लोग हैं जिनको ये वीडियो मिली है और बहुत ही, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग काम करते हैं, रूम पे जाते हैं, सो जाते हैं, महीने की सैलरी लेते हैं, घर भेज देते हैं और अपनी जरूरी की चीज़ें खरीद लेते हैं, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बट आप लोग YouTube में आते हैं, सर्च करते हैं, आप लोग इन सब चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग ये सब कर रहे हैं और आपको अपने फ्यूचर की पड़ी है बॉस, राइट? आपको आपके फ्यूचर की पड़ी है, नहीं तो आप भी कॉलेज में जाएंगे, मजाक मस्ती करेंगे थोड़ा बहुत, हाँ कॉलेज टीचर ने सिखा दिया तो ठीक है, पढ़ा दिया तो ठीक है, नहीं तो मजा नहीं, लाइफ हो ही रही है। बट आप लोग उन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, इसको आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत ही, पता नहीं किसने कहा है, बहुत ही अच्छी बात कही है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट क्यों जरूरत पड़े। देखिए मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? यहां पर मैं इस वीडियो को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फील, बिल्कुल आराम से फील कीजिए कि हाँ आप एक अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, राइट? अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और आप जस्ट यहां पर सीख रहे हैं, अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, ठीक है? यहां पर बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मैं एक क्लास में हूं या फिर मुझे बस वहां पर ट्रेनिंग सेशन में बैठे हुए, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट चिल, सिंपल। सबसे पहले एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हमको इतने डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट की जरूरत क्यों पड़ी। हमें एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खा, हमको पेट ही तो भरना है, राइट? हमको पेट ही तो भरना है, हमको कहीं पर भी एक रेस्टोरेंट में जाए, कोई भी खाना दे दो भाई, हम खा लेंगे और पेट भर जाएगा हमारा। बट यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, आजकल लोगों की डिमांड को देखते हुए, आजकल लोगों की डिमांड्स अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग है लोगों को। देखो एक्चुअली क्या है, मैंने ये व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है? और लोगों को, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को यहाँ पर से हाफ पसंद है, किसी को यहाँ पर से, और भी बहुत कुछ, बहुत से बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, ठीक है? वो सब कपड़े डिजाइन करते हैं। एक इंसान को जीने के लिए क्या तीन चीजें चाहिए होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं रोटी की। देखिए यहाँ पर जिनके पास पैसे हैं, हम जैसे लोग हैं, हम लोग तो कहीं पर भी जाके, यहाँ पर बाहर मार्केट में जाके 10 रुपए की पानी पूरी खा के हम लोग तो जिंदा रह जाएंगे। बट यहाँ पर जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इन बहुत सारे रेस्टोरेंट को डेवलप किया गया, ये मार्केट में आ गए और अभी और भी बहुत सारे आ रहे हैं। अभी आप देखिएगा 10 साल बाद बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट भी हो जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ एक सुशी के लिए होगा, जस्ट एक बर्गर के लिए होगा। वैसे अभी ऑलरेडी हैं मार्केट में, ऑलरेडी ये रेस्टोरेंट्स हैं, बट अभी शायद 10 साल बाद इससे भी ये जो मार्केट है और ज़्यादा आगे जाएगा और इसमें बहुत से अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्ट आप सिर्फ जाइएगा फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए, आपको एक अलग से एक आउटलेट मिल जाएगा कि हाँ भाई स्पेशल फॉर फ्रेंच फ्राइज, राइट? तो इस टाइप से मार्केट आगे बढ़ रहा है, तो हमको भी टाइम के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको समझ में आ गया कि अभी हमारे पास जो जितने भी डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट है क्यों है? डिफरेंट लोगों की डिफरेंट नीड्स होती हैं और डिफरेंट नीड को पूरा करने के लिए ये डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट ओपन किए गए हैं। समझ गए? अब बात करते हैं हमारे पास कि इसमें कौन कौन से टाइप के रेस्टोरेंट है। सबसे पहले रेस्टोरेंट की बात करता हूं मैं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, राइट? इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर क्यूजिन जहां पर सर्व किया जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको जापानीज खाना है, राइट? तो आप किसी एक जापानीज रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसको कहेंगे जहां पर, वहां पर सिर्फ जापानीज फूड ही सर्व किया जाता है, जापानीज थीम है, वहां पर के जो लोग आपको दिख रहे हैं या जापानीज कपड़ों में दिख रहे हैं। अगर आप कहीं गुजराती खाना पसंद करते हैं और आप गुजरात के किसी एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आपको खाना भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि वो गुजराती फूड की स्पेशलिटी है, वहां पर उनको ऑथेंटिक गुजराती फूड मिलेगा, वहां पर का जो थीम है आपको गुजरात वाली फील आएगी, राइट? अगर आप गुजरात से बाहर भी हैं तो आपको एक गुजरात वाली फील आएगी, यार क्या जगह है, समझ रहे हैं आप? तो उसमें ऐसे इस टाइप के रेस्टोरेंट को बोलते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, जहां पर एक किसी पर्टिकुलर क्यूजिन का खाना मिलता है। इट मीन्स कि एक ही टाइप का खाना मिलेगा, ये नहीं कि आपको वहां पर जापानीज, पंजाबी और ये चाइनीज सब मिल रहा है, नहीं, वहां पर सिर्फ एक स्पेशलिटी फूड मिलेगा, एक पर्टिकुलर सिंगल क्यूजिन का खाना मिलेगा, वहां पर का जो थीम होगा
वहाँ पर का वो थीम को भी उसी थीम को फॉलो करेंगे, वहाँ का जो डेकोरेशन है और वहाँ पर के जो ड्रेस कोड है वो भी सेम रहेगा। तो ऐसे टाइप के रेस्टोरेंट को बोलते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अब यहाँ पर हमारे मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट एक ऐसे रेस्टोरेंट को बोलते हैं हम लोग जहाँ पर डिफरेंट टाइप के खाना मिल रहा होगा आपको। आपको चाइनीज भी मिल जाएगा एक ही रूफटॉप के नीचे, आपको इंडियन भी मिल जाएगा, आपको जापानीज भी मिल जाएगा, आपको थाई भी मिल जाएगा, आपको लेबनीज भी मिल जाएगा, आपको मतलब सब कुछ, ठीक है। ऐसे टाइप के मतलब मल्टी क्यूजिन, आप समझ रहे हैं, मल्टी क्यूजिन मतलब मल्टी मीन्स बहुत सारे, क्यूजिन मतलब खाने, बहुत सारे टाइप के खाने, ऐसे रेस्टोरेंट को बोलते हैं हम लोग मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां पर डिफरेंट टाइप के खाना आपको सर्व किया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास आते हैं हमारे फाइन डाइन रेस्टोरेंट। एक्चुअली देखिए यहाँ पर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और फाइन डाइन रेस्टोरेंट के ऊपर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं मल्टी क्यूजिन में काम करता हूँ या फिर मैं फाइन डाइन में काम करता हूँ। देखिए फाइन डाइन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक आप एक स्पेशल आप कतई ना अपने लव वन के साथ में एक डेट पे जाने की सोच रहे हैं और आप जा रहे हैं कतई एक फाइन डाइन वो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में या फिर आप जा रहे हैं एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ठीक है कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर फाइन डाइन रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने फेसबुक पे इंस्टा पे बहुत सारी फोटो देखे होंगे ना जो वहाँ पर पूरा कोर्स वाइज लगे होते हैं, बहुत सारे स्पून सूप स्पून एपी स्पून आप एपी फोक और नाइफ वगैरह बटर नाइफ बहुत सारा कुछ लगा होता है एक साथ पूरे टेबल पे जो पूरा सेटअप लगता है वो होता है फाइन डाइन रेस्टोरेंट का सेटअप, जहां पर आपके पास सूप आता है, सूप के ऊपर से आपका जब सूप आया राइट सूप आपका फिनिश हुआ तो सूप का कोर्स गया, सारा सूप का कोर्स जाएगा, सूप बाउल जाएगा उसके सूप स्पून चला जाएगा, उसके बाद फिर आपके पास एपेटाइजर्स का कोर्स आएगा, मतलब एक कोर्स वाइज आपका सीक्वेंस वाइज सर्विस होती है, मतलब सर्विस को पूरे अच्छे से फॉलो किया जाता है। ऐसे रेस्टोरेंट को बोलते हैं फाइन डाइन रेस्टोरेंट। जहां पर आपको आपको क्या समझ में आया मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट से क्या डिफरेंट है, यहां पर खाना तो मिलेगा आपको, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्यूजिन का खाना मिलेगा, बट मल्टी क्यूजिन की तरह आप जा रहे हैं वहां पर ऑर्डर दे रहे हैं वैसा नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो, आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास बटलर सर्विस जिसको स्पेशलाइज सर्विस बोलते हैं, यहां पर फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जो स्पेशलाइज सर्विस होती है पर्सनलाइज सर्विस वो दी जाती है, उसको बोलते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में जहां पर पर्सनलाइज सर्विस दी जाती है। पहला जहां पर आपका पर्सनलाइज सर्विस मतलब कि आपका एक पूरा बटलर होगा जो आपकी पूरी देखरेख करेगा, इस टाइप के रेस्टोरेंट को बोलते हैं हम लोग फाइन डाइन रेस्टोरेंट, समझ रहे हैं आप। दूसरा बात करते हैं हमारे पास QSR। QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अब सिंपल है, इसमें ज्यादा मुझे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप लोग भी डांटेंगे कि यार मैं बस एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचने के लिए देखने के लिए आया था, आप लोगों ने इतना लंबा मेरे को बैठा दिया। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जहां पर कि जल्दी जल्दी सर्विस हो रही होती है और जो आपका फाइन डाइन में जो रेट है या मल्टी क्यूजिन में जो रेट है, जहां पर आप आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, वो रेट से बहुत ही कम रेट होते हैं QSR में। अब हम दूसरे रेस्टोरेंट की बात करते हैं जो बहुत से लोग अभी जो फाइव स्टार में हर एक फाइव स्टार में होते हैं, वो होते हैं हमारे पास कॉफी शॉप जो कि 24/7 चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे फाइव स्टार हो गए हैं वहां पर वो लोग कॉफी शॉप को ही मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट फाइन डाइन रेस्टोरेंट सब कुछ उसी के अंदर चलाते हैं। हाँ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को उसमें ऐड नहीं कर सकते, बट आपके कॉफी शॉप के अंदर इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर आप एक कॉफी शॉप के अंदर अपना फाइन डाइन रेस्टोरेंट और आपका मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट दोनों अभी ऑपरेट करके चला सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉफी शॉप किसको बोलते हैं जो 24/7 चलते हैं, वहां पर आपको इसमें आपको फास्ट फूड टाइप का खाने को मिल जाएगा, टी कॉफी सैंडविच बर्गर और जो आपके जितने एपेटाइजर्स वगैरह हैं इसमें हल्का फुल्का खाने को मिल जाता है। बट तो आप लोगों ने कौन कौन से रेस्टोरेंट के बारे में सीखा, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट फाइन डाइन रेस्टोरेंट QSR और कॉफी शॉप, और आप लोगों को और दूसरे किन चीजों के बारे में सीखना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, या फिर मेरा जो नेचर है सिखाने का आप लोगों को वो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मेरा नाम है विक्रम, बस अलविदा लेता हूँ इस वीडियो को लेके, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर सुझाव सजेशन है कुछ आप लोगों के तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, टाटा बाय बाय।